पैसे तो बहुत हो गए, सबको गिन के रख देती हूँ। मम्मी इस तरह के कांच के बोतल में पैसे रखोगे तो टूटेगा ही। तो फिर कहाँ रखूँ? मुझे नहीं पता, मैं चला इसको फेंकने। मुझे इस तरह से मम्मी को रोता देखा नहीं जा रहा है। मैं मम्मी के लिए कुछ करता हूँ। मेरे छोटे भाई को मम्मी से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। लगता है मेरा छोटा भाई सब कुछ भूल गया। मम्मी ने किस तरह से कठिनाई से हम सबको पढ़ाई लिखाया। मम्मी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांज कर घर को चलाती थी। हमने मम्मी से जो भी मांगा मम्मी ने किसी न किसी तरह हमको दिया। कभी भी मम्मी ये नहीं बोलती कि बेटा मैं ये नहीं दिला सकती। बहुत समय पहले की बात है, मैं मम्मी के साथ बाजार गया था। वहाँ पर मुझे लाइट वाले जूता पसंद आ गया। मैंने वो जूता मम्मी को लेने के लिए कहा। मम्मी बोली बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। तभी मैं जोर जोर से रोने लगा। मम्मी मेरे को रोता देखकर अपनी चांदी की अंगूठी को बेचकर मेरे लिए लाइट वाले जूता दिलाया। अगर आपको मेरे हाथों की कारीगरी जरा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। रो मत मम्मी, ये देखो। अरे वाह बेटा, ये तो फुटबॉल वाला गुल्लक है, ये तो गिरने से भी नहीं टूटेगा। मेरे बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है।